से ठीक एक साल पूर्व विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में एक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ था, वह था जय आजाद जय पछाड़। आज उसी जय आजाद जय पछाड़ ने यहां अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। इसमें पंजाब के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा और समूचे पंजाब विधानसभा क्षेत्र के जय आजाद जय पछाड़ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी आर मुसावी ने कहा कि एक वर्ष बाद भी इस संगठन की एकजुटता बनी हुई है, यह अपने आप में एक मिसाल है। इस अवसर पर एक दर्जन वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी आर मुसावी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जय आजाद जय पछाड़ के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें भारी मात्रा में पछाड़ विधानसभा क्षेत्र से जन सैलाब उमड़ा और लोगों की उपस्थिति से लगा कि संगठन की एकता मजबूत हुई है। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। पछाड़ को भी जो है ध्यान में रखेंगे और जो कमियां यहां हैं उनको वो पूरा करेंगे। हमारे आज मंडल का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर ये आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग यहां उपस्थित हुए हैं। हालांकि बहुत सारे इससे ज़्यादा लोगों के फ़ोन भी आए हैं, क्योंकि कई जगह देव कार्य हैं, खेती बाड़ी का काम है और इसके साथ साथ कई जगह डेथ भी हुई है, तो वो इस वजह से नहीं आ सके। उनकी तरफ से जो है टेलीफोन पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिससे हमारी एकता जो है वो दर्शाती है कि हम और ज़्यादा जो है संगठित हुए हैं। हम कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं। और यहाँ जो संकल्प दोहराया गया है वो यही है कि पछाड़ का जो वजूद है उसको ख़त्म नहीं होना दिया जाएगा, उसके लिए हमें चाहे कोई भी संघर्ष करना पड़े। और इसके अलावा बहुत सारे जो काम भी चले हुए हैं, लेकिन उसमें भी कई जगह बंदर बांट हो रही है कई विभागों में, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिली है। आज काफ़ी कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में बताया है, और वन विभाग है, PWD विभाग है और दूसरे विभाग में दूसरा हमारा जो ब्लॉक है यहाँ राजगढ़ में, तो इसी तरीके से पार भी कई दफ्तर हैं, तो उनके बारे में अभी कुछ जानकारी हमें मिली है, लेकिन अभी और जानकारी जो है हम जुटाएंगे। और उसके बाद जो है यदि इसमें काफ़ी कोई भाई भतीजावाद हुआ या कोई लिपापोथी हुई तो हम ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इन बातों को लाएंगे, ताकि यहाँ पर सही तरीके से काम हो और सही तरीके से जिस तरीके से लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, उस तरीके का विकास हो और लोगों की सेवा भी हो और लोग आगे भी बढ़ें। तो ये तो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है और हमने संकल्प भी लिया है और लोगों ने हमें कहा भी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ खासकर पछाड़ में एक तो भू माफिया जो है वो काफ़ी सक्रिय हो रहा है, काफ़ी गरीब लोगों की ज़मीन जो है वो कौड़ी के भाव जो है बेची जा रही है। तो इस बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ताकि वो प्रशासन पर शिकंजा कसे और जो लोग इसमें काफ़ी मैं समझता हूँ कि रसूखदार हैं, अगर उनकी मिलीभगत भी उसमें है तो उनको भी सरकार जो है उन पर भी नकेल कसे, ताकि गरीबों की जो ज़मीन कौड़ी के भाव बिक रही है और मैं कह सकता हूँ कि बेनामी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो जिससे गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है और रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और दूसरे में गरीबों की ज़मीनों को का जो है मैं कह सकता हूँ कि कौड़ी के भाव जा रही है, तो उसके बारे में भी
सरकार से बात की जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रशासन उस पर नज़र रखे। इसी तरीके से सड़कों की हालत, वैसे अभी काफ़ी काम तो हुआ है लेकिन बहुत जगह अभी भी ज़रूरत है, ख़ास करके जो ये मेन रोड हैं इनकी हालत अभी प्रॉपर नहीं हो पाई है। और जो ब्लॉक द्वारा जो रोड बनाए हैं वो अभी तक भी कई जगह जो है बंद पड़े हैं, तो उसके लिए भी सरकार जो है धन का प्रावधान करे, और चाहे वो मनरेगा के तहत हो या जो नेचुरल कैलमिटी के तहत जो धन आ रहा है उससे उनकी सड़कों को जो है वो ठीक किया जाए, ताकि लोगों को अभी दिक्कत आ रही है। और कई शिक्षा के जो संस्थान हैं वो ट्रांसफ़र के बाद जो है कई जगह जो है स्कूल खाली पड़े हो गए हैं, देवठी मझगाँव है और इसी तरीके से हमारे अक्षर गाँव है और नारग में भी है और दिल में कुजी जो स्कूल हैं, नेरी कोटली है, नाना टिकर बनोग है, धर्मपुर है और टपरोली है, नया गांव है, तो बहुत सारी जगह से मांग आई। और कई जो ऑर्डर्स किए भी थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी कई जगह रोक लगी है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक साल से अध्यापक नहीं है, और इस तरीके से मानवा खनिउड है वहाँ भी अध्यापक नहीं है। हाँ, उन लोग जो है बार बार मुझे मिलते हैं तो और फ़ोन पे भी बात करते हैं, तो उसके बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि उन स्कूलों में और कई जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ भी कई जगह डॉक्टर नहीं है, कई जगह पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उसको भी भरने के लिए सरकार से जो है आवाज़ बुलंद की जाएगी। इसी तरीके से कई जगह जो पीछे प्राकृतिक आपदा हुई है उसमें जो हमारी पेयजल योजनाएं हैं उनका भारी नुकसान हुआ है, तो वैसे तो पेयजल योजनाएं चालू कर दी गई हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है पीने का पानी जो लोगों को नहीं मिल रहा है उसके बारे में भी सरकार से बात की जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।